हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का WWE 2K23 रॉयल नंबर मैच में। और गाइस, ये जो रॉयल नंबर मैच है, 10 मैन रॉयल नंबर मैच हो रहा है, 30 मैन नहीं हो रहा है, सिर्फ 10 मैन हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में अंडरटेकर और रमेश स्टूडियो की फाइट हो रही है, और रमेश स्टूडियो ने यहाँ पे कंट्रोल ले रखा। अभी फिलहाल अंडरटेकर ने ले लिया यहाँ पर। अंडरटेकर भाई रमेश स्टूडियो को उठा के रिंग के कॉर्नर साइड पर फेंक दिया है, फुल फेस जाके लग चुका तगड़ा वाला। पीला भी पड़ गया भाई साहब, एक ही टाइम पीला ही पड़ गया। यहाँ पे लातों से पूरी हालत खराब कर दी रमेश टूडो की। अब देखना है कि अगला कौन सा अटैक मारते हैं। ओके भाई, राइट पंच भाई एक टाइम में सीधा। रमेश टूडो भाई सो ही गए एक पंच में ही। यहाँ पे अभी शायद गिराने की कोशिश। हाँ, यहाँ पे गाइस अब गिराने की कोशिश देखते हैं भाई रमेश स्टूडियो। मेरे को नहीं लगता है इतना जल्दी गिर पाएंगे, क्योंकि यार अभी अभी तो मैच शुरू हुआ है, और ना कुछ स्मैक पड़ा ना बड़ा मूव पड़ा, कैसे गिर सकते हैं। हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं अंडरटेकर। ओ भाई, रमेश स्टूडियो ने भाई क्या ही मारा भाई अंडरटेकर को। ओके, फिर से वही कोशिश करना था, लेकिन इस बार रमेश स्टूडियो ने रिवर्सल कर लिया। और यहाँ पर भी भाई और एक क्रॉस बॉडी पड़ चुका है भाई अंडरटेकर को, और एक और भाई स्टॉम्प पड़ चुका है भाई। फिन बैलर वाला ही तो यार स्मैक था, और रमेश टूडो ने भाई नॉर्मली मार दिया, तो फिन बैलर वाला इसको ये स्मैक है फिन बैलर को। यहाँ पे रमेश टूडो ने नॉर्मली मार दिए भाई। और यहाँ पे भाई वो भाई साहब ये एकदम बवाल मोमेंट है गाइस। भाई रमेश टूडो सोचे कि अंडरटेकर को गिरा देंगे, अंडरटेकर ने यहाँ पे दिमाग का यूज़ किया भाई, उठा के रमेश टूडो को बाहर ही फेंक दिए। ये सही था भाई, और अपना भाई स्टाइल मारते। अब आ चुके भाई दी गोल्डबर्ग आइकॉनिक। अब मुझे लगता है गोल्डबर्ग को गिराना मुश्किल हो सकता है अंडरटेकर को, क्योंकि भाई गोल्डबर्ग जो है आम प्लेयर नहीं है भाई, बड़े बड़े लोग को गिराए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी पड़ चुका है गोल्डबर्ग को बिग बूट। और भाई स्टाइल मत मारो भाई पीछे, गोल्डबर्ग अब तैयार हो चुके हैं। अब मेरे को लग रहा है गोल्डबर्ग मारेंगे। चलो जैक हैमर नहीं भाई, सब काफ़ी तगड़ा वाला उठा के पटका है। और यहाँ पे अब गोल्डबर्ग अपना भाई थोड़ा स्टाइल मारते हुए, फिर अब अंडरटेकर की हो सकती है हालत खराब। और एक पावर बॉम्ब, आई थिंक सो पावर बॉम्ब पड़ चुका है अंडरटेकर को। यहाँ पे अंडरटेकर की बॉडी पड़ चुकी है पीली, अब शायद गिराने की कोशिश। हाँ गाइस, यहाँ भी गिर सकते हैं अंडरटेकर भाई, गिर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। गोल्डबर्ग भी खतरनाक खिलाड़ी है। यहाँ पे भाई कोशिश तो बहुत, लेकिन अंडरटेकर भाई इतना जल्दी कहाँ गिरने वाले। अब भाई ओके, पंचेस पे पंचेस, एक फेस पे पंच और एक भाई क्या ही पटकाया, गर्दन पकड़ के उठा के पटक दिया भाई। और भाई क्लोज लाइन गोल्डबर्ग का, गोल्डबर्ग से यहाँ पे कंट्रोल ले चुके हैं, कॉर्नर में फेंक दिया है। और यहाँ पे गिराने की कोशिश गोल्डबर्ग की। अंडरटेकर यहाँ पे क्या गिर सकते हैं कि नहीं गाइस, ये देखने वाली बात है। मेरे को तो लगता है नहीं गिरेंगे, पावर तो फुल लगा रहे गोल्डबर्ग, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता इतना। ओ भाई, एक मुंह पे मुक्का पड़ चुका है भाई गोल्डबर्ग को। यहाँ पे अब इसने कंट्रोल लिया है, उठा लिया भाई गोल्डबर्ग ने इस बार। अब शायद गिर सकते हैं अंडरटेकर, अब गिर सकते हैं भाई। क्या कर भाई, गिर सकते हैं मेरे को लग रहा है। ओके गाइस, तो पता नहीं अब गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, लेकिन अब अगला प्लेयर जो है आने वाला है भाई 5 सेकंड में। 4 3 2 1 देखते भाई कौन आते हैं। एज वेडर आज सुपरस्टार वेज आ चुके गाइस। अब मैच में होने वाला है खतरनाक मैच, खतरनाक सीन होने वाला है। अब तो आते भाई गोल्डबर्ग को धर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गोल्डबर्ग साथ गलत हो रहा है यार। यहाँ पे भाई एज और अंडरटेकर दोनों मिल के मार रहे हैं। एज यार देखो अभी एज मार रहे भाई गोल्डबर्ग साथ, तो गलत हो रहा है यार। भाई एज ने वहाँ पे ढकेला था भाई अंडरटेकर ने, कुछ क्या नहीं गिरा, लेकिन यहाँ पे भाई एज ने गिरा दिया है। लेकिन गोल्डबर्ग के साथ यार 1v2 हो गया। और फिलहाल अभी यहाँ पे गोल्डबर्ग गिर चुके, तो अंडरटेकर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के भाई एज की अभी कुटाई करते हुए। अभी देखते हैं ये दोनों में से कौन गिरता है। ओके, अब एज ने कंट्रोल ले लिया है, रिंग को अंदर में जा चुके अंडरटेकर। और भाई गिराने की कोशिश थी, लेकिन अंडरटेकर ने भाई एक मुंह पे जड़ दिया, तो भी एक स्लैम दे दिया अच्छा खासा। अब शायद गिराने की कोशिश है एज को भी।
एज यहाँ पे गिर सकते हैं गाइस। ओ भाई साहब खतरनाक भाई, अंडरटेकर ओपी बोलते भाई। यहाँ पे एज को भी गिरा दिया, वो भी अंडरटेकर का अंडरटेकर है। अब देखते हैं अंडरटेकर को कौन गिरा सकता है। अब आ चुके पांचवें नंबर पे समोआ जो, समोआ जो भाई अंडरटेकर कलर टाइम पे भाई स्टाइल मार रहा है भाई। समोआ जो आ चुके यार इनमें क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे पटक दिया भाई, तरह का सुप्ले कह सकते हैं। अब समोआ जो बोलते हुए भाई अब आजा, लेकिन यहाँ पे अंडरटेकर हार नहीं मानेंगे, लेकिन फिर समोआ जो ने कंट्रोल ले लिया है। अंडरटेकर भाई गिरने की पोजीशन पे है और गिर भी गए। अंडरटेकर को भाई समोआ जो ने गिरा दिया आगे। अब देखते हैं समोआ जो को कौन गिराता है भाई। समोआ जो फुल चीज कर रहे हैं भाई, कोई भी प्लेयर है अब आने दो। अब देखते हैं कौन है भाई। आ चुके सिक्स नंबर पे दी जॉन सीना 16 टाइम चैंपियन। ठीक है देखते हैं अब गाइस समोआ जो गिरते या जॉन सीना गिरते, हालांकि समोआ जो गिरने चाहिए। और एक जर्मन सुपैक जॉन सीना को पड़ता हुआ आते ही और एक लात, और यहाँ पे टूटते हुए अभी फ्लैश समोआ जो कंट्रोल समोआ जो के पास से, और यहाँ पे लॉक लेते हुए सबमिशन एक तरह का। जॉन सीना भाई नेवर गिव अप, सबमिशन कभी गिव अप दिए नहीं तो भाई कैसे आज जाके दे देंगे। हालांकि पता था छूटी जाएगा आराम से। अब आ चुके हैं भाई, देखते हैं कौन किसको गिराता है। व्हाट अ बिग बूट यार, एक सेंटोन ड्रॉप लग चुका है भाई। समोआ जो भारी पड़ रहे भाई अभी जॉन सीना पे, लेकिन यहाँ पे भाई जॉन सीना भाई रिवर्सल कर लिया फिलहाल अभी। अब मेरे को लगता है समोआ जो की खैर नहीं भाई। ओ भाई समोआ जो भाई काफी खतरनाक प्लेयर है यार, फिर से जॉन सीना रिवर्सल कर लिया। देखते भाई कौन किस पे, वैसे तो देखा जाए तो जॉन सीना की हालत जो खराब हो चुकी है, अगर काफ़ी तगड़ा ज़्यादा ही मार दिया समोआ जो। तो अपना भी ड्रॉप लगा चुके हैं, देखते हैं तो भाई समोआ जो भाई सही एकदम सही खेल रहे। मैं तो बोलूँ भाई जॉन सीना को बताओ ढीला कर दिए बॉडी मार मार के, और पता नहीं कौन सा मूव मारे भाई, बहुत डेंजरस था काफ़ी। अब यहाँ पे जॉन सीना भी भाई आ चुके पोजिशन पे भाई। गॉड भाई समोआ जो भाई तीन लोग को गिरा दिए भाई यार, बहुत सही खेल रहा है बंदा। तो भाई कौन गिराएगा भाई इस खतरनाक प्लेयर को यार, देखते कौन आता है। ओ माय गॉड अब आ चुके भाई रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ जो कह लो भाई, वो अभी फिलहाल देखते हैं। अब रोमन रेंस गिरेंगे या समोआ जो, मुझे ज़्यादातर लगता है अब समोआ जो गिर सकते हैं भाई। समोआ जो को हालांकि इन लोग का शायद एक ही शायद इन लोग का जो भी जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोमेलिन भी जो है जो फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखा जाए कंपैरिजन में तो रोमेलिन ज़्यादा तगड़े प्लेयर है। अब मेरे को लगता है समोआ जो की गिरने की पारी पारी है। यार सुपरमैन पंच वंच लगा दे मज़ा ही आ जाएगा भाई। चलो गाइस अब समोआ जो देखो आ चुके पोजीशन पे, और यहाँ पे समोआ जो गिर गए। मुझे लगा ही था गाइस क्योंकि रोमेलिन भाई कैसे आ सकता है भाई, अभी समोआ जो रिंग के पहले रिंग में पहले से ही थे, रोमेलिन अभी भी आके तो उनको एक एडवांटेज मिल गया। अब देखते हैं कौन आ गया। अब गाइस रोमेलिन के सामने आ चुके नाइजीरियन जायंट ओमोस, और ओमोस को गिराना भाई एक चट्टान को गिराने जैसे है। अब एक सुपरमैन की कोशिश किए थे लेकिन लगा नहीं हालांकि, लेकिन यहाँ पे रोमेलिन भी गिर सकते हैं, पोजिशन पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ओमोस ने भाई गिराया नहीं, ट्राई कर दी उल्टा। अब देखते हैं भाई कौन किसके गिराता है। तो भाई इतना ज़्यादा वजन भाई रोमेलिन को भाई चढ़ गया, लेकिन यहाँ पे गिरा चुके हैं ओमोस को। अब देखते हैं इसको कौन किसको गिराता है, लेकिन रोमेलिन को काफ़ी भारी पड़ने वाला है भाई, बड़े जायंट को गिराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रोमेलिन को। रोमेलिन देखते क्या करते हैं, और एक चमाट भाई ये इनका रोमिंग है, चमाट भाई बहुत तगड़ा है। एक और चमाट भाई साहब, इतने अब क्या आता है दो तो चमाट तो दे दिए ओमोस को। अब ओमोस गिर सकते हैं पोजीशन पे आ चुके, ओके तो यहाँ पे भाई ओमोस भी यहाँ पे गिर चुके हैं भाई। इसको कहते हैं द ट्राइबल चीफ,
ऑलमोस्ट बोल रहे भाई कैसे खेलता है। अब आज के गाइस फिनोमिनल एज स्टाइल, अब देखते गाइस कौन किसको गिराता। चलो भाई यहाँ पे रोमेरिंग ने भाई उठा लिया, समोन ड्रॉप नहीं, रिंग के रोप पे भाई फेंक दिया, इंपैक्ट लगा होगा मुंह के साइड और एक हेड बट। यहाँ पे भाई उठा पटक मारते हैं। सो गाइस जितने भी लोग देख रहे हो ना गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पे आप मजे मैच का लुत्फ उठा सकते हो। आप देखो गाइस एजी स्टाइल भी आप गिर सकते हैं, उठा लिया है भाई, भाई रिंग के बाहर पावर बॉम्ब फेंक सकते हैं, वही हो भी रहा है। यहाँ पे भाई रोमेरिंग ने भाई पावर बॉम्ब के साथ यहाँ पे एजी स्टाइल को एकदम इजी पीसी गिरा दिया। अब देखते हैं गाइस आखिरी लास्ट प्लेयर कौन है, और तगड़ा नहीं होना गाइस तो रोमेरिंग इजी से इजी पीसी जीत जाएंगे। ओह माय गॉड ये प्लेयर कैसे इजी हो सकता है, आ चुका है भाई द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। मुझे नहीं लगता रोमेरिंग भाई गिरा पाएगा क्योंकि भाई उनके सामने जो प्लेयर है भाई काफी तगड़ा है। देखते कौन गिरता है, ये दोनों में भाई कुश्ती चल रहा है एक तरह का। ओके ओह माय गॉड भाई ये बहुत तगड़ा सीन था भाई, मतलब आए दो मुक्का मारे भाई और फेंका सीधा रोमेरिंग भाई साहब। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस ऐसे किसी मजेदार मैच में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। भाई जीत चुके हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर, बहुत आराम से जीत गया, कोई दिक्कत नहीं।